अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की फिक्रों को हम उर्दू में पहचान कैसे करेंगे। तो याद रखिए, जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रों का उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह के अल्फाज आएंगे। क्लियर? जब इसकी इंग्लिश में कुछ पहचान कुछ इस तरह से होगी कि जब फाइल, पहचान कुछ इस तरह से होगी कि फाइल के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद वर्ड की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। क्लियर? फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि एम का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, इसका इस्तेमाल कहां पर होगा और आर का इस्तेमाल कहां पे होगा। तो याद रखें, हाई आई के साथ एम आएगा, आई के साथ एम आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज। जबकि बाकी तमाम दे, यू, वी और जमा नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ क्या आएगा? आर आएगा। तो चलते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जुमला है, वो स्कूल जा रहा है, रहा है, आखिर में क्या आया है? रहा है। और ये उर्दू में इसकी पहचान है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो वो स्कूल जा रहा, ही इज, गो पहली फॉर्म है और हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और उसके साथ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो कपड़े धो रही है, फीमेल है, शी है, शी इज वॉशिंग क्लोथिस, शी इज वॉशिंग क्लोथिस। मैं वर्जिश कर रहा हूं। अब यहां पर एम का इस्तेमाल, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी? एम, सिर्फ आई के साथ एम आएगा। आई एम टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज। तुम गाना गा रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, यू, अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम स्त्री कर रहे हैं, जमा है वी, वी और आयर्निंग, आयर्निंग, वी आर आयर्निंग, हम स्त्री कर रहे हैं। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, नंबर सिक्स पे है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फिक्रों को हम उर्दू में इस तरह पहचान करेंगे कि फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह आएंगे। अंग्रेजी में इसकी पहचान कुछ इस तरह से होगी कि फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर लगाएंगे और उसके बाद फौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। क्लियर? अब आई के साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इमदादी फेल इज आएगा, जबकि यू, वी, दे और जमा नाउन के साथ इमदादी फेल आ आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो
अच्छी लगी होगी। राय करम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।